तबलीगी जमात वालों को गोदी मीडिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी पिछले 4 से 5 दिन के अंदर, और अभी भी वो जारी है। जैसे कि आप जानते हैं उन्होंने क्या क्या नहीं बोला। जब से देश के अंदर कोरोना वायरस आया तो कुछ दिन से गोदी मीडिया को लग रहा था कि हिंदू और मुसलमान देश के अंदर नहीं हो रहा है, बांटने की राजनीति नहीं हो रहा, क्योंकि सारे के सारे जो धर्म थे वो कोरोना वायरस से लड़ने की कोशिश कर रहे थे, वो कर भी रहे। पर गोदी मीडिया को लग रहा था कि हिंदू मुसलमान अगर नहीं हो रहा है देश के अंदर तो हमारी रोटी कैसे चलेगी, हम रोटी कैसे खाएंगे। तो दोस्तों गोदी मीडिया ने कोरोना वायरस में भी हिंदू मुसलमान ढूंढ लिया और उसको भी मुसलमानों से जोड़ दिया। उन्होंने क्या क्या नहीं कहा सब आप जानते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बताता भी हूँ। दोस्तों उन्होंने ये कहा कि कोरोना वायरस किसी और से नहीं, सिर्फ निजामुद्दीन मरकज और तबलीगी जमात वालों ने और मुसलमानों ने पूरे देश के अंदर फैलाया है। वहीं उन्होंने टेररिस्ट भी कहा, उन्होंने जिहादी भी कहा तबलीगी जमात वालों को। साथ के साथ जब उन्होंने क्वारंटाइन, जो जिन्हें तबलीगी जमात वालों को क्वारंटाइन किया गया है, तो उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि वो नर्सों पर थूक रहे हैं, नॉनवेज खाने के लिए मांग रहे हैं, खुले में शौच कर रहे हैं, अश्लील हरकतें नर्सों के साथ कर रहे हैं और अपने कपड़े उतार रहे हैं और ऐसे ही कपड़े उतारे हुए घूम रहे हैं रूम के अंदर और नर्सों के साथ अश्लील हरकतें भी कर रहे हैं। ये इल्ज़ाम लगाया है गोदी मीडिया ने। आपने टीवी चैनलों पर देखा भी होगा दोस्तों। दोस्तों सहारनपुर से एक बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है और गोदी मीडिया के मुंह पर तमाशा भी लगता हुआ दिख रहा है इस खबर पर। सहारनपुर पुलिस ने ट्वीट किया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि सहारनपुर में 58 लोगों को जो तबलीगी जमात से जुड़े हुए थे उन पर इल्ज़ाम ये लगाया था गोदी मीडिया ने कि वहाँ पर अश्लील हरकतें कर रहे हैं नर्सों के साथ ये जो तबलीगी जमात वाले, खाने को चिकन मांग रहे हैं, नॉनवेज मांग रहे हैं और खुले में शौच कर रहे हैं और खुले में वहीं जो रूम है जहाँ पर नर्स हैं वो बिना कपड़ों के वहाँ पर ये घूम रहे हैं तबलीगी जमात वाले। तो इसी को लेकर सहारनपुर पुलिस ने ट्वीट किया और गोदी मीडिया के मुंह पर एक दोस्तों तमाचा लगाया। 58 लोगों को जिनको क्वारंटाइन किया था उस पर सहारनपुर की पुलिस ने ट्वीट किया। क्या ट्वीट किया मैं आपको दिखाता हूँ, स्क्रीन पर देखिए। अवगत कराना है कि विभिन्न समाचारों पत्रों न्यूज चैनलों एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित की जा रही खबर क्वारंटाइन किए गए जमातियों ने खाने में नॉनवेज ना मिलने पर किया जमकर हंगामा, जमातियों ने खुले में ही कर डाली शौच की सहायता की जांच व आवश्यक कार्रवाई करने हेतु थाना प्रभारी रामपुर मनिहारन को निर्देश दिए गए हैं कि जिनके द्वारा जांच की गई तो जांच में विभिन्न समाचारों पत्रों न्यूज चैनलों एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित की जा रही उक्त खबर पूर्ण रूप से गलत है दोस्तों एवं असत्य पाई गई है। अतः सहारनपुर पुलिस उक्त प्रकाशित खबर का पूर्ण रूप खंडन करती है। दोस्तों यहां पर साफ साफ बोल दिया कि जो अखबारों दैनिक जागरण अमर उजाला ये जो अखबार हैं इन्होंने भी झूठ बोला। वहीं सोशल मीडिया पर जो बीजेपी का आईटी सेल काम करता है पूरे देश में झूठ फैलाने का वो भी झूठ ठहराया सहारनपुर की पुलिस ने। वहीं साथ के साथ जो न्यूज चैनलों पर खबर चल रही थी कि तबलीगी जमात वाले शोष कर रहे हैं, खाने को नॉनवेज मांग रहे हैं और अश्लील हरकतें कर रहे हैं, ये पूर्व से गलत खबर है और ये फेक न्यूज फैलाई जा रही है। सहारनपुर की पुलिस ने ट्वीट किया है अपने ट्विटर हैंडल पर और फेसबुक पेज पर भी डाला है ये लिखकर दोस्तों। अब दोस्तों मुझे ये बताइए कमेंट बॉक्स में आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसको लेकर कि गोदी मीडिया जो ये काम कर रही है वो सहारनपुर ने सच सामने लेकर आई है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा और लाइक करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दिएगा ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊँगा तो आपको पता चल जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही।